तो इस वक्त हम उस जगह पर जहाँ पर मतलब ये कंफर्म हुआ था कि यहाँ पर सोना है, मतलब वैज्ञानिकों लोग ने यहाँ पर रिसर्च किया था। सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में सबसे मतलब एक हट के मैं जगह जाने वाला हूँ, जो जहाँ पर मतलब दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर मतलब उसके नीचे सोने का बहुत बड़ा मतलब भंडार मिला है। तो मैं हूँ इस वक्त जम्मू के एक गाँव जिसका नाम है ढोकली, और यहाँ से मतलब कुछ ही दूरी पर आपका वो प्रखंड है, मतलब वो करमटिया नाम का जगह है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली भी हम लोग निकल चुके हैं वो जगह जाने के लिए। तो हालांकि मतलब ये गांव इलाका है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी कमी है और हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। मज़ा सबसे बात यह है कि यहाँ पर मतलब क्या है कि दो नदी है और उसे हम लोग क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। और मैं दिखाता हूँ जिस गाँव में अभी मैं रुका हुआ हूँ, उस गाँव का आप नज़ारा देखो। तो ये देखिए, यही है गांव का नज़ारा, आप देख सकते हैं गाय बांधी हुई है, पेड़ पौधे, घर, और ये देखिए इधर भी घर है। हाँ, और देख सकते हैं यही रास्ता जिस रास्ता से हम जाएंगे, और यही वो घर है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो देखिए, और ये देख सकते हैं, इसे तो पहचान सकते हैं, और ये भी है राजीव जी। तो चलिए चलते हैं फिर। अगर वीडियो पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पार कर रहे हैं, मतलब एक नदी है, और देख सकते हैं कि मतलब कितनी हम लोग ढलान से जा रहे हैं। ये देखिए, तो हमारा दो दोस्त देख सकते हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए रास्ता मतलब कितना डेंजर है, और ये देखिए दोनों को मतलब अपना हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, और जैसा देख सकते हैं ये है नदी का नज़ारा जो सूख चुकी है। तो देख दूर दूर तक कहीं पर भी आपको पानी नहीं दिख रहा होगा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। सो धूप तो काफी है, और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पैदल, क्योंकि यहाँ पर मतलब थोड़ा गांव है, तो इस वजह से यहाँ पर उतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है। हालांकि उस जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर मतलब कोई भी मतलब गाड़ी वगैरह नहीं चलती है। तो जिसके पास पर्सनल गाड़ी है सिर्फ वही जा सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से पैदल चल चुके। तो यहाँ पर मुझे राजस्थान वाली जैसे फीलिंग आ रही है, जैसे रेगिस्तान में लगती है। तो जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये नदी का हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और ये देखिए दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, और ये मेरे पीछे रास्ता। तो चलिए फिर चलते हैं उधर। तो सो फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं करमटिया से 1 किलोमीटर पीछे जमदहिया में। तो जमदहिया पार करते हुए जा रहे हैं हम लोग करमटिया सोने के खदान में। तो वीडियो में बने रहिए, हमारे बड़े भैया लोग सब साथ में हैं। तो लगभग लगभग हम आधा रास्ता क्रॉस कर गए हैं, और फिलहाल इस वक्त है हम एक और नदी में। देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, अभी है इस वक्त हम नदी के अंदर, और दूर दूर तक देखिए सिर्फ मतलब पेड़ पौधे ही हैं और कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अभी जो चल रहा है महीना, अभी गर्मी से जुलाई या अगस्त में ये मतलब नदी भर जाती है, काफ़ी मतलब इसमें पानी रहता है। तो लगभग लगभग हम लोग बस पहुंचने के कगार पे। तो चलिए फिर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे मतलब यहाँ पर पत्थर मिल रहा है। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, अजीब अजीब तरह का यहाँ पर पत्थर मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, इधर भी देखिए पत्थर ही पत्थर है। तो देख सकते हैं ये लड़का थक गया है और थक कर बैठ गया है, इसे कुछ शर्म नहीं आता, ये हर जगह बैठता है जा के। और एक लड़का को देखिए उधर गया है, वो अपना मगन में है, देखते हैं आगे क्या है। और ये पहाड़ चढ़ना है, छोटा सा पहाड़ है। तो यही वो है जगह जिस जगह का नाम है करमटिया, और ये जम्मू के अंतर्गत में आता है जम्मू के। और ये देखिए जंगल, इसी जंगल के अंदर है सोने की मतलब इसी के नीचे है। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हम उस जगह पर जिस जगह पर
देख सकते हैं दूर दूर तक, यही वो जगह है जहाँ पर सोना का मतलब भंडार बताया जा रहा है। तो देखते हैं और आगे क्या क्या यहाँ पर मिलता है, हालांकि कोशिश करते हैं कि कुछ और भी यहाँ पर रेयर चीज़ मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देख सकते हैं कितना घना जंगल और कितने दूर तक ये फैला हुआ, हालांकि डर भी लग रहा क्योंकि सुनसान बहुत है यहाँ पर। ये देखिए दूर दूर तक फैला हुआ। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए। तो तकरीबन आधे घंटे से हम लोग जंगल के अंदर घूम रहे हैं और हमें कुछ मतलब मिल नहीं रहा। तो देखते हैं आगे एक मतलब बहुत खाली जगह मिला है, तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर क्या है देखते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, तो उनसे सावधान रहने को बोला है, तो वो जंगली जानवर हमें मिल ना जाए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जंगल के मतलब बहुत अंदर आ चुके हैं, तो देखिए आगे क्या है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। तो गाइस जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और हम लोग की हालत हो गई है खराब। और अभी हम लोग देख रहे हैं कहाँ तक ये जंगल जाती है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। और तो चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ बहुत सारा, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या का पेड़ है, और ये पेड़ ज़रूर बताइएगा ये किस का पेड़ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि यह कौन सा पेड़ है। ये देखिए, तो मेरे से हो चुकी है यहाँ पर हालत ख़राब, और बाकी अपने दोस्त भाई लोग से जानते हैं कि कैसा रहा उनका, वो लोग मतलब थके हैं कि नहीं। हालांकि ये जो राजीव भाई है यहाँ के, ये लोकल है, तो ये कुछ बताएंगे। भाई अभी कितना दूर तक ये जंगल है? ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। फाइनली अभी हम लोग चलते चलते बहुत थक गए हैं और जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखते हैं हम लोग भी आगे कोशिश जारी है कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक ये जंगल है। और पहुँचते पहुँचते हम लोगों का हालत ख़राब हो चुका है। तो अभी है इस वक्त हम जंगल के मतलब पहुंच चुके हैं आखिरी छोर पर, हालांकि यहां से अभी कुछ देर में जंगल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए इसकी मिट्टी को हम लोग देखते हैं, वाकई में यहां पर सोना निकलता है क्योंकि इसकी मिट्टी है जो सुनहरी है। मैं आपको दिखाता हूं इसकी मिट्टी को, देख सकते हैं इसकी मिट्टी मतलब काफ़ी सुनहरी है। ये देख सकते हैं पूरी सुनहरी मिट्टी है, एकदम जैसा लग रहा है कि मान के चलो सोने के जैसा ही है, हालांकि है ना। और ये देखिए दूर दूर तक, मतलब इसी में कहा जाता है कि सोना मतलब पहले मिलता था, और इसी में अभी बताया जा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर देश में सोना का भंडार सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया गया है। तो अब देखते हैं सरकार इस पर कब काम शुरू करती है। तो यही है जहाँ पर सोना का भंडार मिला है, जैसा कि देख सकते हैं दूर दूर तक, और देख सकते हैं इधर इधर पूरा मतलब सोना का भंडार ही है मतलब यहाँ पर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर कैसे मतलब सोना का मतलब एक शुरुआत हुआ, कैसे यहाँ पर सोना का मिला। तो बताएंगे जो यहाँ पर लोकल है हमारे राजीव भाई। तो बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ पे चरवाहा लोग आते थे पहले, तो बताते थे यही करमटिया का पावन धरती है, यहाँ पे सोना का खदान मिला था। तो बुजुर्गों लोग थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी निकालता था ना, तो वहाँ छोटा छोटा सा सोना का कण मिलता था, छोटा छोटा सा टुकड़ा। तो वही बुजुर्गों लोग ने देखा, तो सरकार के पास पता चला, तो सरकार ये अपना कब्जा में कर लिए धीरे धीरे। तो फिर जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है कि पहले लोग यहाँ पर मतलब पशु चराने के लिए आते थे, तो उन्हें मतलब ऊपर में ही सोना मिल जाता था। हालांकि मुझे तो मतलब ज़रा सा भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ के लोग का कहना है कि ऊपर से मतलब चराते चराते सोने का टुकड़े मिल जाते थे, और मतलब उसी को वो लोग घर ले जाकर किसी तरह पता नहीं कौन सा प्रोसेस होता था वो, उसे मतलब वो सोना निकाल लेते थे। तो अभी उसी मतलब धरती पर है हम, सोने की धरती पर हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे देख सकते हैं मिट्टी एकदम लाल है यहाँ की, लाल एकदम मिट्टी। और ये देख सकते हैं यहीं पर मतलब रिसर्च किया गया था इसी इलाके में कि मतलब सोना है कि नहीं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर रिसर्च हुआ था वहाँ पर जाकर। तो इस वक्त हम उस जगह पर जहाँ पर मतलब ये कंफर्म हुआ था कि यहाँ पर सोना है, मतलब जो वैज्ञानिकों लोग ने यहाँ पर रिसर्च किया था कि वाकई में इस मतलब इसके नीचे सोना है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो जगह कि वो जगह कैसा है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे, तो यही वो जगह है जहाँ पर रिसर्च की गई थी। ये देखिए मतलब इस तरह से यहाँ पर बहुत तरह की मतलब मशीनें बैठाई गई थी,
और देख सकते हैं यहाँ पर इसके पत्थर को मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये पत्थर है। ये देखिए सामने से मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए पत्थर की क्या मतलब क्वालिटी है, कह सकते हैं मतलब एक बहुत ही मतलब मुझे ये अजीब सा पत्थर लग रहा, हालांकि देख ही सकते हैं। तो पता नहीं इसमें क्या क्या उन लोगों को मिल गया, तो यहाँ पर उन्होंने तो मैं भी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।